छोड़ना चाहिए। यहाँ पे कोई ना मतलब शर्म करके हमें खुलेआम एक्चुअली चर्चा करना चाहिए कि एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या होता है और क्या प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग जानते हो कि आप लोग का शारीरिक विकास यहाँ पे हो चुका है ना, किसी का बाकी है, किसी का बाकी नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग को कॉन्शियस रहना चाहिए कि हमें कुछ किसी भी प्रकार का जो माने नियम बहिर्भूत जो काम है, समाज का जो नियम बहिर्भूत काम है, उस प्रकार का हमें कार्य करना नहीं चाहिए। इतना समझने के बाद भी हम देखते हैं, हम हर क्लास में, हम एडुकेशन में मैं यही बात बोलता हूं, लेकिन 6 महीने के बाद देखता हूं कि क्लास 11 से कोई भाग गई है, इतना बोलने के बाद। तो हम शिक्षा देने के क्यों आए हैं, हम उसको क्यों चर्चा करते हैं? हमारा चर्चा अगर शिक्षक का बात नहीं मानते हैं तो मतलब आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट हो या आपका अंदर जो जिस प्रकार का आवेगात्मक विकास होता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उसको हमारा गलती कर बैठते हैं। तो इस गलती को एहसास करने के लिए, सुधारने के लिए आप लोग को इस प्रकार का शिक्षा जो वीडियो के बारे में किया जा रहा है और मैडम लोग जो आए हैं आप लोग को कॉन्शियस करने के लिए सरकार ने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं? इस प्रकार का प्रोग्राम हम कभी नहीं करते हैं लेकिन आज किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि हम लोग को आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, दूसरा जगह में कोई मन लगाना नहीं है। यह माता पिता अगर मान लीजिए बहुत सारे माता पिता अपना पैसा नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि लड़की लोग हमारा सिर में बोझ है, उनको जैसे ही हम शादी करके भागा दे हम